अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियल मोहम्मद सलीम है और मेरा ताल्लुक अराइज लर्निंग नेटवर्क से। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th यानी कि सेकेंड ईयर साइंस ग्रुप का फिजिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अगर जैसे जो सेकेंड ईयर वाले हैं उन्होंने ज़ाहिर फर्स्ट ईयर पास किया होगा, 11 क्लास 11 पढ़ चुके होंगे, तो क्लास 11 में जो है वो उन्होंने जो बुक के जो चैप्टर्स पढ़े थे वो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10। अब क्लास 12 में आपके पास जो बुक है उसके चैप्टर्स 11 से स्टार्ट होते हैं, 11 to 20। तो जो बुक्स देख रहे हैं वो घबराना नहीं कि भाई 11 बाकी कहाँ गए, तो बाकी आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, निमटा लिया उन लोगों को, सही है। तो आप आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट। हीट वैसे तो आप मैट्रिक में ये पढ़ के आए हैं कि वॉट इज़ हीट, हीट क्या होती है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रीव्यू करने के लिए हम बात करते हैं कि हमारे हिसाब से ये नॉर्मल या जनरल इंग्लिश के हिसाब से हीट हरारत को कहते हैं, गर्माइश को कहते हैं, वार्मनेस को कहते हैं, बट इन फिजिक्स हीट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक, तो हीट से पहले हम बात करते हैं कैलोरिक थ्योरी की। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का पहला टॉपिक क्या है, कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी क्या स्टेट करती है, क्या बताना क्या चाहती है थ्योरी, ये थ्योरी ये बताना चाहती है कि किसी बॉडी में हॉटनेस जो है वो कहाँ से आती है, वार्मनेस जो है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो कैलोरिक थ्योरी में सबसे पहली बात इन्होंने की थी कैलोरी की, यानी कैलोरी वो चीज़ है जो फ्लो करती है। ठीक है, कैलोरी जो है वो कोई बॉडी अगर गर्म महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें ज़्यादा कैलोरी होगी। कोई चीज़ ठंडी महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कम कैलोरी होगी। किससे ज़्यादा किससे कम जो मेजर कर रहा है, जैसे अगर फॉर सपोज मैं किसी बुक को हाथ लगाता हूँ और मुझे वो ठंडी फील हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म में मेरे बॉडी में कैलोरीज की मिकदार ज़्यादा है और बुक्स में कैलोरी की मिकदार कम। अगर कोई चीज़ मुझे गर्म महसूस हो रही है, जैसे अगर मैं चाय की बात करता हूँ तो चाय गर्म होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैलोरी की मिकदार ज़्यादा है और मेरे अंदर यानी कि बॉडी में कैलोरी की मिकदार कम। ये प्रीवियस थ्योरी है, पहली बात बता दूँ ये डिस्कार्ड हो चुकी है, लेकिन क्यों हुई उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया कि कैलोरी क्या है। अब कैलोरी जो होती है वो नेचुरली अकरिंग होती है, यानी किसी भी सब्सटेंस में नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होती है, मतलब आप उसको जो है वो कहीं से बना नहीं सकते, कैलोरी कहीं बनाई नहीं जाती, वो नेचुरली तौर पे किसी भी बॉडी के अंदर होती है। चाहे अब वो किस स्टेट में होती है, तो वो होती है एक वेटलेस ब्लड की सूरत में। वी ऑल नो व्हाट इज़ वेटलेस। वेटलेस क्या होता है, जिसका कोई वेट ना हो, यानी कि अगर किसी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरी है इट डजंट मीन कि उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी में कम कैलोरी होगी तो उसका वेट कम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। फॉर सपोज अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसके अंदर क्या वो गर्म ही होगी हमेशा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई वो तो नहीं है। और किस सूरत में होती है, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो देयर आर कॉमनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो हमारा जो कैलोरी है वो किस सूरत में होती है, वेटलेस फ्लड की सूरत में होती है। ठीक है, अब वेटलेस फ्लड की सूरत में होती है इसका ये मतलब भी है कि ये इन फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है, और वेटलेस का मतलब तो आप जान ही चुके हैं कि वेटलेस का मतलब कि इसका कोई वजन नहीं होता, सही। अच्छा जी, ये तो हो गई, डिफाइन कर दिया इन्होंने कि कोई चीज़ गर्म क्यों होती है, कोई चीज़ ठंडी क्यों होती है। कोई चीज़ गर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कैलोरी की मिकदार ज़्यादा होती है, कोई चीज़ ठंडी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कैलोरी की मिकदार कम होती है। ठीक, नो एनी इशू, बट द प्रॉब्लम इज काउंट रमफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कैनन ली, मतलब ली तो नहीं, उनके पास एक कैनन थी, कैनन क्या होती है, तो ठीक है उसको ड्रिल करना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने ड्रिल किया तो तोप का जो पार्ट होता है उसमें जब उन्होंने ड्रिल किया तो उसमें से चिंगारी निकली। जैसे आप जानते हैं चिंगारी निकलने की वजह से उसके जो मार्बल के चिप्स थे वो उछल के वाटर में गिरे, नीचे वाटर पड़ी हुई होगी मेरे ख्याल से, वाटर में गिरे। अब वो जब वाटर में गिरे तो वाटर जो है वो हॉटनेस प्रोवाइड करने लगा, यानी कि पानी जो है वो गर्म होने लगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि उन चिप्स में भी कैलोरी मौजूद है। ठीक है ना, उन चिप्स में भी कैलोरी मौजूद है। उनको लगा अच्छा भाई चिप्स की वजह से पानी गर्म हो रहा है, वरना पानी गर्म नहीं होना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया कि वाटर टैंक को थोड़ा सा और फिल किया, कैनन उसके अंदर डाली, फिर से ड्रिल करना शुरू की। पहली मरतबा ड्रिल की थी
पहली मरतबा भी सेम वही सिनेरियो था, वाटर थी, वाटर के अंदर कैनन था, कैनन में ड्रिलिंग शुरू की, ड्रिलिंग की तो ड्रिलिंग की वजह से क्या हुआ कि चिप्स गिरना शुरू हुई, जैसा कि हम करते हैं ना कोई चीज़ जब अंदर जाती है तो उसके जितना भी मैटर होता है वो बाहर की तरफ गिरता है, वो बाहर गिरा, पानी में गिरा, पानी गर्म होना शुरू हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये क्या एविडेंट था कि आपका जो ये जो मार्बल चिप्स हैं वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है। अब इन्होंने जो है वो ड्रिल मशीन की जो शार्पनेस है ना उनको उसको कम कर दिया, यानी कि वो ड्रिल हो रही थी लेकिन वो चिप्स को बिखेर नहीं रही थी, वो सिर्फ अंदर जा रही थी, यानी कि कोई चिप्स रिलीज ही नहीं हो रहे थे, यानी कि बाहर मैटर आ ही नहीं रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन तब भी पानी गर्म हुआ। द प्रॉब्लम इज क्यों हुआ भाई, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए था वैसे, क्योंकि अगर हम कैलोरिक थ्योरी को माने तो या तो कैलोरी जो है वो कैनन में होगी या फिर जो है वो कैलोरी किस में होगी, ड्रिलिंग में होगी। पहली बात कि जब हमने फर्स्ट टाइम उसको ड्रिल किया तो सारी की सारी कैलोरी को बाहर आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक वेटलेस फ्लड है, लेकिन वो बाहर नहीं। अब आप एक नॉर्मल सी मिसाल लेते हैं ना कि फॉर सपोज अगर मैं बलून फुलाऊँ, बलून में पानी डालना, ठीक है, यानी कि वो पानी वाला बलून हमारे पास, अब मैंने उस पर पिन मार दी, पानी जो है वो अगर मैं उसको पिन मार के छोड़ दूँ 5 मिनट के लिए तो पानी जो है वो क्या होगा, 5 मिनट में बाहर आ जाएगा, करेक्ट है ना, उसके बाद वापस और पानी तो इसमें नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट टाइम ड्रिलिंग हुई, ड्रिलिंग होने की वजह से हीट यानी कि कैलोरी प्रोड्यूस हुई, कैलोरी प्रोड्यूस होने की वजह से पानी गर्म हुआ, ठीक है, पानी गर्म हो गया हमें पता चल गया। अब अगर मैं उसको छोड़ दूँ और 5 मिनट बाद दोबारा ड्रिल करूँ तो दोबारा वो चीज़ गर्म होगी, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि गर्म होगी, हमने देखा है, बट द प्रॉब्लम इज कि होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से जितना कैलोरी फ्लड था वो वेटलेस फ्लड था वो तो बाहर आ चुका है, वो क्या बारी बारी बाहर आ रही, यानी जब जब हम ड्रिल करेंगे वो वेटलेस फ्लड बाहर आता रहेगा, नहीं। पहला, दूसरा क्या, अगर हम मान भी लें कि उस चीज़ के अंदर वो वेटलेस फ्लड मौजूद है और चिप्स गिरे, अब चिप्स जो है वो उस चीज़ का हिस्सा थे, कैनन का हिस्सा थे, ठीक है ना, अब कैनन का हिस्सा थे इस वजह से वो जब पानी में गिरे तो पानी भी गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि कैनन के हिस्सा यानी कैनन की जो कैलोरी थी उसमें से कुछ चिप्स के जरिए वाटर में ट्रांसफ़र हुई। लेकिन जब हम दूसरी मरतबा करते हैं, जब रमफोर्ड साहब ने ड्रिलिंग को जो है वो सॉफ्ट कर दिया, यानी कि चिप्स गिरे ही नहीं, कोई मवाद कोई मैटर पानी में आया ही नहीं, जब पानी में नहीं आया फिर पानी क्यों गर्म हो रहा है, फिर तो पानी को गर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पानी की अपनी कैलोरी तो अलग है ना, उसका ड्रिलिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। फिर इन्होंने ये कहा, किसने, काउंट रमफोर्ड साहब ने, कि कैलोरी वैलोरी कुछ नहीं होती, होती है तो क्या होती है, हीट। व्हाट इज हीट, द डेफिनेशन ऑफ हीट सेज इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सी दी सिंपल सी डेफिनेशन, यहाँ पे कैलोरिक थ्योरी जो है वो क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। तो हीट यानी कि कैलोरी, तो फॉर्मर नेम ऑफ हीट वॉज कैलोरी, लेकिन अब हम उसको किस नाम से जानते हैं, हीट के नाम से जानते हैं। तो अब आप ये समझिए कि भाई जब हमने ड्रिलिंग की वजह से, ड्रिलिंग से क्या पैदा हुई, फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई और उसने पानी को गर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने दोनों हाथ को कांटेक्ट में लाते हैं और उसको रगड़ना रब करना शुरू करते हैं। तो जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर वो खास तौर पे सॉलिड हो, तो अगर आप किसी भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है जनाब, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हमारे पास हॉट बॉडी कौन सी थी, वो कैनन, और कोल्ड बॉडी कौन सी थी, वो वाटर। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हुई, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें भाई, बात समझ में आ गई होगी कि हीट उस एनर्जी को कहते हैं जो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। वैसे एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी भी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का तो आपको पता है, कैलोरिक थ्योरी एक बात पे बिल्कुल सही थी कि कैलोरी को बनाया नहीं जाता,
वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, नेचुरली होती है। हीट का भी यही है, हीट भी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब कौन सी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, तो जवाब क्या है भाई, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। आपकी हीट जो है, हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कैलोरी क्यूरी के बाद अगर हम बात करें, तो बात करते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में से क्या होता है, नॉर्मल अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को, कि बहुत सारी फोर्सेस लगने के बावजूद भी स्टेट चेंज ना हो, यानी कि कंडीशंस चेंज होने के बावजूद भी स्टेट चेंज ना हो किसी भी सिस्टम का, तो वो चीज़ किस में है, इक्विलिब्रियम में। थर्मल का मतलब अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई, हीट इन्वॉल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम पहली बात करते हैं कि भाई हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए जो है वो हमारे पास है, फॉर सपोज इसकी जो इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे मैं बता दूँ हीट एनर्जी तो होती है लेकिन वो इंटरनल एनर्जी नहीं होती। हम मान लेते हैं कि 15 जूल इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी है बॉडी ए की, और बॉडी बी की जो इंटरनल एनर्जी है वो है 25 जूल, ठीक है। तो पहली बात, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए अगर मैं बॉडी ए को हाथ लगाऊं, बॉडी बी को हाथ लगाऊं, तो दोनों में से ज़्यादा गर्म मुझे कौन सी फील होगी, 15 वाली या 25 वाली? तो जवाब क्या है, 25 वाली, बिकॉज इट हैज़ मोर एनर्जी देन बॉडी ए, ठीक। अब हमने इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लेकर आए, दोनों को मिला दिया, दोनों ब्लॉक्स को आपस में कंबाइन कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कौन सा कॉन्टैक्ट बन गया, ये थर्मल कॉन्टैक्ट बन गया, दीज बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट नाउ। अब क्या होगा कि इनके अंदर एक एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ठीक है। कब तक एनर्जी ट्रांसफर, ये 25 वाले आपने एनर्जी देगा किसको, 15 वाले को। अब फॉर सपोज 1 जूल एनर्जी का ये हो गया 16, ये हो गया 24, फिर 1 जूल एनर्जी का ये हो गया 17, ये हो गया 23। ऐसे कब तक एनर्जी जाती रहेगी, जब तक ये भी 20 ना हो जाए और ये भी 20 ना हो जाए, सही। तो अब इनकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल और 20 जूल, ठीक है सर। और नहीं जा सकती, नहीं, क्योंकि आपकी हीट, हीट की डेफिनेशन पे ही अड़े रहो। हीट क्या कहती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। तब जब तक ये दोनों में से एक हॉट और एक कोल्ड है तब तक ट्रांसफर होगा। अगर आप मान लो कि ये भी 20 जूल है, ये भी 20 जूल है, इसका मतलब दोनों में कोई हॉटनेस या कोई कोल्डनेस नहीं है, दोनों बराबर होगा, सही है ना। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि कितना एनर्जी ट्रांसफर कितने जूल्स का हुआ, तो जवाब है हमारे पास 5 जूल्स, ठीक है, 5 जूल का एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इन सारी एनर्जीज में हीट कौन सी है, 15, 25, 20 या 5? करेक्ट, 5, क्योंकि भाई हीट कौन सी एनर्जी है, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हीट नहीं है ना, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर कौन सी एनर्जी हुई, कितनी जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई, 5 जूल एनर्जी। तो हमारे पास हीट क्या होगी, 5 जूल। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर मैं दो बॉडीज ले लूँ एट सेम एनर्जी, यानी कि ये भी 15 जूल, ये भी 15 जूल, फिर मैं आपसे पूछूं बताइए कितनी हीट है, तो आप क्या जवाब देंगे, हम कहेंगे देर इज नो हीट बिकॉज देर इज नो ट्रांसफर। ऐसा मकाम, ऐसा वक्त जहां पे आपका हीट का ट्रांसफर रुक जाए, थम जाए, उस कंडीशन को या उस मकाम को, उस वक्त को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेट एट विच हीट ट्रांसफर स्टॉप्स, कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। सबसे पहले हमने क्या समझा, कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी ने हमें क्या बताया कि कैलोरी जो होती है वो किसी भी बॉडी में हॉटनेस या वार्मनेस प्रोवाइड करती है। जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरी होगी वो गर्म होगा, जिसके अंदर कम कैलोरी होगी वो गर्म नहीं होगा, कम गर्म होगा, ठीक है। बस फ्लो प्रॉब्लम क्या थी उसमें कि भाई वो एक वेटलेस फ्लड है। फ्लड का मतलब कि वो ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, वेटलेस है, ये तो अच्छी बात। अब वेटलेस फ्लड की वजह से जो हमने एक्सपेरिमेंट सुना, काउंट रमफोर्ड ने जो परफॉर्म किया था ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट कैनन के ऊपर, उसकी मदद से हमने ये बात पता की कि कैलोरिक थ्योरी गलत है, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी जो कि काइनेटिक थ्योरी कहलाती है। इसके बाद हीट, बल्कि नहीं सॉरी, काइनेटिक थ्योरी इसके बाद है। फिर हमने हीट की डेफिनेशन पढ़ी कि हीट की प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फिर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ी, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो टेम्परेचर और उसके स्केल्स पे बात करेंगे कि वो कैसे आए और उनका फॉर्मूलेशन क्या है, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।